हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ विद सोल। 6 जुलाई को था हमारा मैरिज एनिवर्सरी और हम भी सोचा था कि इस बार कुछ मेमोरेबल करते हैं। तो मेरा और इनका दोनों का ही बहुत दिनों से शौक था मॉरिशस का, तो हमने सोचा था कि 5th एनिवर्सरी पर ही हम मॉरिशस जाएंगे। हमने पहले से डिसाइड किया था, तो उसी हिसाब से हम अभी चल पड़े हैं बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 3:30 के करीब और हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के रास्ते से। यहाँ से हम लेकिन डायरेक्ट मॉरिशस नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट बेंगलोर से मॉरिशस का जो भी फ्लाइट है उसका टाइम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने इसीलिए डिसाइड किया है कि हम वाया मुंबई होके जाएंगे। लगभग सारे जो भी इंडिया से जाते हैं वो ऐसे ही करते हैं, इससे टाइम काफ़ी कम लगती है, जर्नी टाइम बहुत ज़्यादा कट डाउन होती है, तो एग्जॉशन भी काफ़ी कम होती है। तो हम अभी जा तो रहे हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन हम अभी यहाँ से जाएंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे टर्मिनल में और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं मुंबई। लगभग पहुँच चुके हैं हम केंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ट्रिप था ओवरऑल 10 डेज़ का ट्रिप था, तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और कैसे घूमे, कहाँ रहे, कैसे हमने टाइम स्पेंड किया, देखने का क्या क्या जगह है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ट्रिप थोड़ा सा बड़ा था, आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे। 6:55 का हमारा फ्लाइट था मुंबई के लिए और अभी हम मुंबई पहुंच चुके हैं, हम लैंड करने ही वाले हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं जिसको बोला जाता है माया नगरी इंडिया का, वो है मुंबई। और मुंबई में मैं पहली बार जा रही हूँ, हम पहली बार जा रहे हैं, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। हालांकि हम मुंबई उतना घूम नहीं पाए, मतलब कुछ भी घूम नहीं पाए, लेकिन फिर भी मुंबई जाना अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ मुंबई मतलब बॉलीवुड ही जानते हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ दिख जाएगा तो मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई में हमने क्या किया, हम कहाँ रहे, ये सारा डिटेल्स आपको दूसरे एक ब्लॉग में मिल जाएगा। उसको लेके मैं एक अलग सा ब्लॉग बनाऊँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ मॉरिशस की ही बातें करूँगी। सुबह सुबह हम मुंबई पहुंच चुके हैं और हम उतरने ही वाले हैं, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी। एक्चुअली जुलाई का महीना मतलब बारिश हर जगह होती है, लेकिन मॉरिशस में इस टाइम में है विंटर का सीज़न। तो अगर आप मॉरिशस ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली आप विंटर का बहुत सारा क्लोथ लेके जाना, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। ये है मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से हम फ्लाइट लेंगे मॉरिशस के लिए। हमने फ्लाइट बुक किया है एयर मॉरिशस का और यहाँ पे है ड्यूटी फ्री में। अगर आते हैं तो कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत चीज़ें हमने यहाँ से लिया, थोड़ा बहुत कपड़े हमने खरीदे, थोड़ा मतलब जो भी ज़रूरत के सामान जैसे लगता है कि खरीद ले, थोड़ा चॉकलेट्स वगैरह ये सारा कुछ खरीद के हम उसके बाद एयर मॉरिशस में चढ़ गए। स्क्रीन पे जो मूवीज़ के लिस्ट थे उसमें से बहुत सारे मेरे फेवरेट्स भी थे, तो मैंने पहले सोचा था कि ये जो ऑलमोस्ट 6 आवर्स का जो जर्नी है ये आराम से निपट जाएगा, कट जाएगा, 2-3 मूवी देखेंगे, मस्त पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो हम जिस टाइम पे हम जा रहे थे इस साइड में, तो वो मॉनसून का टाइम है और
मुंबई से मॉरिशस तक का जो भी रास्ता है फ्लाइट का, वो कम्प्लीटली ओशन के ऊपर से होते हुए जाती है। पहले आती है अरेबियन सी, उसके बाद इंडियन ओशन। और एक्सट्रीमली टर्बुलेंस हो रही थी, हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी उस टाइम पे, क्योंकि फ्लाइट बिल्कुल मतलब स्टेबल नहीं थी। तो मूवीज़ तो देख नहीं पाए क्योंकि डर के मारे हालत सच में ही ख़राब हो रही थी। तो ऐसे करते हुए हम लकीली फाइनली हम मॉरिशस पहुंच गए 6 आवर्स के जर्नी के बाद। अभी भी आप देख सकते हो कि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश के अंदर ही हम टेक ऑफ किए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हर एक फ्लाइट का अपना तरीका होता है कस्टमर्स को ग्रीट करने का। यहाँ पे भी हमें एक पाउच मिला था सबको, उसमें उसके अंदर सॉक्स के पेयर थे, उसके साथ ईयरबड्स और सैनिटाइज़र दिया गया था। ये सब कुछ आइटम्स वगैरह थे, उसके साथ हेडफोन तो मिलता ही है मूवी सुनने के लिए। ब्रश, पेस्ट, आई मास्क, पेन और पेपर भी दिया गया था। अब आती है सुबह की ब्रेकफास्ट की बारी। खाना उनके हिसाब से वो लोग जो जैसा देते हैं उन्होंने दिया। नॉनवेज हमने ऑप्ट किया था तो नॉनवेज दिया, हालांकि मैंने कुछ खाया नहीं, मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस की वजह से। यहाँ पे वैसे भी खाना मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग तो नहीं लगा, बन दिया गया था बेक्ड बीन्स और मशरूम ऑमलेट। और उसके बाद उतरने से आधे घंटे पहले हमें दिया गया था एक चीज़ रोल टाइप का कुछ, वो भी मैंने नहीं खाया। फाइनली जब अरेबियन सी क्रॉस हुआ इंडियन ओशन आने के बाद फ्लाइट थोड़ी सी स्टेबल हुई। उस टाइम पे आप देख सकते हो स्काई थोड़ी सी क्लियर है और हम मॉरिशस पहुंच चुके हैं। आप ऊपर से नज़ारा देख सकते हो, जैसे ही आसमान क्लियर हुआ नीचे हरा और नीला समुंदर पूरी तरह से हमारे वेलकम के लिए रेडी है। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है तो ऑब्वियसली इसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। 2040 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया साइज है और सिर्फ 13 लाख इसका टोटल पॉपुलेशन है। और साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये मुंबई से 3 गुना बड़ा एक कंट्री है, ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा मतलब लगभग। तो यहाँ पे आप उतरते टाइम देख सकते हो सिर्फ हरियाली दिखाई दे रही है और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखेगा। इसके बाद जब हम ज़मीन पे ट्रैवल करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ सिर्फ आपको घर तो दिखेंगे लेकिन उसके ज़्यादा सिर्फ आपको ग्रीनरीज या तो आपको थोड़े थोड़े पहाड़ी और आपको समुंदर का नीला और हरा पानी दिखेगा। और हम पहुंच चुके हैं मॉरिशस के एयरपोर्ट पे, जो कि साइज़ में काफ़ी छोटा और बहुत शान सा एक एयरपोर्ट है जिसमें शायद ही आपको कभी कोई उतना ज़्यादा चहल पहल दिखेगा। इसका नाम है सर सिवसागर एयरपोर्ट। हमने जिस ट्रैवल एजेंसी से यहाँ से बुक किया था वहाँ से ही हमने होटल्स का बुकिंग किया था और वहीं से ही हमें ट्रांसपोर्टेशन भी दिया गया था। तो ट्रांसपोर्टेशन जो कि हमारे पैकेज के अंदर था तो हमारे लिए टैक्सी बाहर ही वेट कर रही थी, तो हम वहाँ पे गए
और हमारे साथ और एक फैमिली थी, हम दोनों एक ही होटल में जा रहे थे, तो हम दोनों को लेके वहाँ पे जो वैन्स होते हैं टैक्सी वैन्स, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। हम अपने नाइटमेयर्स में भी सोच नहीं सकते इतना बड़ा प्रॉब्लम हमें होगा। हमने ट्राई किया था इंडिया से जाते टाइम, बहुत सारे एजेंसीज को भी हमने कॉल किया था मॉरिशन रुपीज़ के लिए, जो कि इंडिया से मॉरिशस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं और शायद साउथ से इतना ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं या उतना हमें डिटेल्स पता नहीं, लेकिन इंडिया से होते हुए मुंबई तक जाने के बाद भी हमें कोई भी काउंटर में मॉरिशन रुपीस नहीं मिला। तो हमने सोचा था कि डेबिट कार्ड यूज़ करके एयरपोर्ट से हम पैसा उठाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने मशीन में डेबिट कार्ड डाला वो रिटेन हो गया। और हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम क्या करेंगे। लकीली हमने मुंबई से दो सिम कार्ड ले लिया था, मुंबई एयरपोर्ट पे मिलता है, वहाँ से हमने दो लोकल सिम कार्ड उठा लिया था ताकि हम लोकल किसी से भी कनेक्ट कर सके और कॉल कर सके, और अगर होटल से बाहर रहते हैं तो हम अपना इंटरनेट यूज़ कर सके। काउंटर में जाके हमने कंप्लेन दर्ज करवाया और हमें अश्योर किया गया था कि 24 to 48 hours के अंदर ये कार्ड हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें भी पता था कि इतनी जल्दी कार्ड नहीं मिलती है, तो हमने कंप्लेन दर्ज करके वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। एक ही पॉजिटिव बात थी और एक ही हमारे साथ अच्छा चीज़ था, वो था हमारा क्रेडिट कार्ड। हालांकि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होती है मॉरिशस में, तो कोशिश करें बिल्कुल उसको अवॉइड करने के लिए, और अगर हो सके तो पॉजिटिवली आप इंडिया से कैश मॉरिशन रुपीस लेके ही वहाँ पे जाए, या फिर आप एटलीस्ट 2 to 3 डेबिट कार्ड कैरी करें ताकि अगर एक में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे आपका काम आ सके। हमारे पैकेज के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था बोल के हमें उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे कुछ खरीद रहे हो या फिर पेमेंट कर रहे हो या फिर जैसे टिकट्स वगैरह लेने के लिए, आपको पॉजिटिवली अपना डेबिट कार्ड चाहिए ही होगा क्योंकि पैसा उठाना वहाँ पे लोकल पैसा आपको चाहिए ही होगा, तो इसलिए डेबिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। This is the beautiful view of our hotel, Radisson Blu Post Lafayette. ये होटल मॉरिशस के ईस्ट कोस्टल साइड में सिचुएटेड है और इस टाइम पे जो कि यहाँ पे इस विंटर का मौसम है और एक्सट्रीमली विंडी है यहाँ का वेदर, हमने इससे पहले ही सुना था लेकिन हमें लगा था कोस्टल एरिया और मतलब ये जो कि समुंदर के किनारे कितना ही विंडी होगा, लेकिन वी आर कम्प्लीटली रॉन्ग। इतना विंडी आप सोच भी नहीं सकते, हम पूरी तरह से वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, कभी कभी इतना ज़्यादा हवा चल रही थी। ये है होटल का रूम जहाँ पे हम रुके थे, हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था और व्यू काफ़ी अच्छा था क्योंकि पर्दे हटाने से डिरेक्ट सी व्यू हो रही थी, ये सी फेसिंग रूम था। रूम का टैरिफ अराउंड 18 to 19 thousand का था, लेकिन प्राइस के हिसाब से बोला जाए तो रूम का साइज़ काफ़ी छोटा लगा हमें। रूम के अंदर मूवमेंट में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी सामान रखने के बाद, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा लेफ्ट में और बिल्कुल थोड़ा सा सामने जगह है, बाकी यहाँ पे उतना कुछ स्पेस नहीं था।
फ्रिज के अंदर का जो भी सामान था आपको पता है वो चार्जेबल होता है, और टी कॉफ़ी जो भी था वो कॉम्प्लीमेंट्री था। रूम का साइज हमें उतना पसंद नहीं आया, लेकिन व्यू देख के सच बताए तो हमें, मतलब जितना भी हमें थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो रही थी वो सारा चला गया, क्योंकि पर्दे हटाने से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू सामने था। यहाँ पे एक छोटा सा बैठने का भी जगह दिया गया था, जहाँ पे बैठ के आप आराम से समुंदर का नज़ारा पूरा देख सकते हो। यहाँ से चल के निकलने से, राइट से जाने से ही पूल आती है, वहाँ पे डेक एरिया है, और नीचे सीढ़ियों से उतर के है बीच, और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट एरिया है। और राइट में जाने के बाद और थोड़ा सा राइट जाने से वहाँ पे है उनका बफे एरिया का जो स्पेस है वो पूरा है, और मेन जो बफे रेस्टोरेंट है वहाँ पे है, और उसके बगल में ही है उनका रिसेप्शन एरिया। ये होटल बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगा हमें ये होटल, क्योंकि इसका लोकेशन बहुत अच्छा था, और ये होटल एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल था। इस ये ट्रॉपिकल कंट्री है तो उस हिसाब से ही पूरा डिज़ाइनिंग इसका किया गया था। और एक बहुत अच्छी बात है जो काफ़ी कपल्स को पसंद आएंगे, वो है ये एडल्ट ओनली होटल है, तो आप चाहे तो आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगा। मॉरिशस में हमने एक चीज़ देखा था कि इंडिया से जितने भी लोग आए हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 99% लोग हनीमून कपल्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बजट ट्रैवल करनी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर ये जो कंट्री है ये बैकपैकर्स के लिए भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और बैकपैकर्स या फिर बजट ट्रैवलर्स के लिए जो ऑप्शन उनको चाहिए होता है, जैसे स्कूटी लेके घूमना, फिर बजट फ्रेंडली होटल्स में रहना। बजट फ्रेंडली होटल शायद थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाकी के सारे चीज़ें, पानी खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे बजट ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं वो मोस्टली यूके से, यूरोप के कंट्रीज से, या फिर यूएई से लोग आते हैं। और इंडियन हमने जितना भी देखा है मोस्टली सारे नॉर्थ इंडियंस ही हमने देखा। और खाने के मामले में भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे खाना बिल्कुल इंडियन टाइप का ही बनता है, खाना अलग आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ लगेगा। कॉन्टिनेंटल ऑफकोर्स आपको बहुत सारा मिलेगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। ब्रेड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत तरीके का ब्रेड्स यहाँ पे मिलता है, हालांकि ब्रेड्स थोड़े से यहाँ पे हार्ड टाइप के हैं, जो पर्सनली हम जो कि डेली के मतलब यूसेज में हम ब्रेड्स को यहाँ पे नहीं रखते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो हमें उतना ज़्यादा ब्रेड्स यहाँ के पसंद नहीं आए। जो थोड़े से च्यूवी और हार्ड है इस टाइप के ब्रेड्स यहाँ पे चलता है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे खाना जैसे मसाला स्पाइस सब कुछ यहाँ पे इंडियन टाइप का ही है, तो खाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि वेज में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर भी पनीर और जैसे मिक्स सब्जी ये सब कुछ है, लेकिन साउथ इंडियन खाना जैसे होता है आपका जो इडली डोसा सांभर चटनी ये सब यहाँ पे बिल्कुल हमने कहीं पे भी नहीं देखा।
और इसके अलावा एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे दूसरे कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज इससे पहले भी हमने घूमा, जैसे सिंगापुर, बाली हो गया, थाईलैंड वगैरह, वहाँ पे स्ट्रीट फूड का एक बहुत ज़्यादा चलन है कि जगह जगह पे जैसे स्टॉल लगी हुए रहते हैं जहाँ पे आप स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हो, लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, लोकल कुजीन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और हमने जितना भी घूमा देखा वहाँ पे हमें कहीं पे भी रोड के ऊपर कोई भी दुकान नहीं दिखा, लोग ही नहीं दिखे, दुकान तो दूर की बात है। यहाँ पे माइज और माइज आपको सिर्फ खेती दिखेगी, गन्ने की खेती, और बीच में से रोड, रोड यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल स्मूथ रोड है। लेकिन एक दिक्कत हो सकती है जिनको यहाँ पे हैबिट नहीं है, जैसे ऊपर नीचे वाला रोड्स पे चढ़ने का, जैसे बहुत ज़्यादा कार्वी टाइप के हैं, थोड़े से वैली में जैसे रोड्स होते हैं वैसे रोड्स हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत देती है, लेकिन रोड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। और पूरा कंट्री हमने घूमा, हमें कहीं पे भी थोड़ी सी गंदगी नहीं दिखा जितना भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ भी खाना है या फिर मतलब कुछ भी खरीदना है, थोड़ा सा पानी भी आपको लेना है, तो उसके लिए भी हमें मॉल जाना पड़ रहा था। जैसे हम एक बार बाहर निकले थे, मतलब घूमने के लिए जो हम गए थे साइट सीन के लिए, वहाँ पे हमें पानी चाहिए था, तो जो टैक्सी ड्राइवर थे वो हमें लेके गए एक मॉल में, वहाँ पे एक सुपरमार्केट में जाके हमें पानी मिला। यहाँ पे रोड साइड पे वैसे दुकान भी नहीं है, खाना भी आपको उतना कुछ नहीं मिलेगा, आपको ऑलमोस्ट पूरी तरह से आपको होटल के खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और वो लोग यहाँ के लोकल कुजीन जो है, लोकल खाना जो है, जैसे दाल चपाती, फिर बिरयानी, पुलाव, ये सब यहाँ पे चलता है, इंडियन टाइप का ही इनका खाना है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये डिनर का मेनू है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि आपको भी एक आइडिया हो कि यहाँ पे कैसा खाना मतलब मिलता है। अलग कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगेगा, आपको होमली फील आएगा सब कुछ आपको। और स्पेशली यहाँ पे डेडिकेटेड इंडियन खाना भी रहता है, वेज अगर आपको चाहिए तो अलग से वेज का काउंटर बिल्कुल साइड में रखा गया है, वहाँ पे पनीर दाल, चना दाल, और फिर मटर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, चपाती और चावल, ये सब कुछ अलग से साइड से रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है। एक चीज़ आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ का चिकन, माई गॉड, आपको क्या बता, इतना टेस्टी चिकन मैंने आज तक इंडिया में भी नहीं खाया। पता नहीं चिकन मतलब यहाँ का क्वालिटी इतना अच्छा कैसे है, दो चिकन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये है नेक्स्ट डे सुबह का नज़ारा, सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, और अभी धूप भी नहीं निकली है। जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक समुद्र का पानी का कलर बिल्कुल अलग रहता है, जैसे नॉर्मल कलर होता है नीला वैसे, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है वैसे ही समुद्र का असली चेहरा आपको दिखाई देता है। कोरल्स की वजह से समुद्र का पानी, सामने का जो पानी है 2-3 किलोमीटर आगे का जो एक्सटेंशन, जो समुद्र का मेन समुद्र है उसके बाद का जो पानी है वो बिल्कुल ग्रीनिश एक कलर हो जाती है, जो मेस्मराइजिंग लगते हैं। मॉरिशस में साइट सीन करने के लिए सच बोले तो उतना कुछ नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ समुद्र से प्यार है, सिर्फ समुद्र देखना चाहते हैं, वो मॉरिशस ज़रूर आइए, क्योंकि आप अगर साइट सीन के लिए भी जाते हो तो वो भी घुमा फिरा के आपको कोई ना कोई आइलैंड लेके जाएगा, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई बीच दिखाई देगा। सच बताए तो मॉरिशस में देखने के लिए सिर्फ समुद्र है, और वो इतना खूबसूरत है, आप सच बोले तो आपको लगेगा ही नहीं आप और कुछ देखें। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े हैं अभी
नॉर्थ आइलैंड टूर के लिए। इसमें हम जाएंगे 3-4 जगहों पे, जो के मेन जो सिटी सेंटर है, जो इनका कैपिटल है, उसके आसपास। होटल से निकलते ही हमेशा से लेफ्ट साइड में हमारा जो व्यू है वो पूरी तरह से समुद्र का व्यू है, सी व्यू है। और इसको छोड़ते हुए हम आगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितना सा भी रोड है वो पूरी तरह से या तो पहाड़ी से घिरा है या फिर पानी से घिरा हुआ है। नॉर्थ आइलैंड टूर में सबसे पहले हम गए शिप मेकिंग फैक्ट्री में। यहाँ पे हैंडमेड शिप्स बनाए जाते हैं। मॉरिशस के जो सुवेनियर है उनमें सबसे पहले ये शिप्स आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक्सक्लूसिव दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठ के अपने हाथों से ये सारे शिप्स बना रहे हैं। इसी के बगल में, इसी के साइड में एक इनका शॉप है, वहाँ पे वीडियो लेना मना है। उसके अंदर बहुत सारे हैंडमेड ज्वेलरी और एक्सक्लूसिव शिप्स मिलते हैं खरीदने के लिए। वहाँ से हमने बहुत सारा शॉपिंग किया, कुछ ज्वेलरी हमने खरीदा। उसके साथ साथ मेरा मन तो था एक बहुत बड़ा सा बोट लेने का, एक शिप लेने का, लेकिन वो लगेज कितना होगा उस वजह से मैं बहुत बड़ा कोई शिप ले नहीं पाई, लेकिन एक छोटा सा शिप एज ए मेमोरी मैं लेके आई हूँ। Thank you.
If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off. Ship making factory se nikalne ke baad abhi hum ja rahe hain Mauritius ka capital Port Louis mein. Port Louis inka capital hai. Wahan pe inke jo bhi major houses hai, jaise court, unka jo PM hai, unka ghar, bahut sare offices, ये सब कुछ वहाँ पे है. वो सब हमने देखा. इसके अलावा वहाँ पे हमने देखा ट्रैम. ट्रैम अभी मॉरिशस में चलती है. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Port Louis से होते हुए हम उसके बाद जाएंगे सिटेडल में. सिटेडल एक फोर्ट है और एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है. नॉर्मली हम जानते हैं फोर्ट के अंदर राजाएं महाराजाएं रहते थे और चारों तरफ से उनको सेफ करने के लिए ऐसे फोर्ट बनाए जाते थे. लेकिन ये जो फोर्ट है ये बेसिकली उस टाइम के स्लेव्स के लिए बनाया गया था. जितने भी स्लेव्स थे वो उस फोर्ट के अंदर रहते थे और चारों तरफ से ये जो कंट्री है उसको सेव करते थे. वहाँ पे कोई महाराजा नहीं रहते थे, सिर्फ स्लेव के लिए वो फोर्ट बनाया गया था. और उसका डिज़ाइनिंग भी ऐसी तरह से किया गया था कि एक तरफ है पूरी तरह से समुंदर से घिरा हुआ और दूसरी तरफ है पहाड़ी, तो किसी भी तरीके से वहाँ पे अटैक करना बिल्कुल नामुमकिन था.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. तो ये था कंप्लीट टूर ऑफ सिटाडेल फोर्ट। उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ के फेमस मॉल बागाटेल मॉल में। बागाटेल मॉल में बहुत सारे एक्सक्लूसिव और क्लासिक ब्रांड्स आपको मिलेंगे शॉपिंग के लिए, और उसके साथ साथ माउथ वाटरिंग फूड्स यहाँ पे मिलते हैं। बहुत सारे यूरोपियन स्टाइल कैफे हैं यहाँ पे। ये मॉल देखने से आपको बिल्कुल लगेगा कि आप यूरोप के कोई छोटे से टाउन में आ गए हैं। इनका पूरा आर्किटेक्चर और पूरा डिज़ाइनिंग ही ऐसे किया गया है। इस मॉल के अंदर आपको वर्ल्ड्स मोस्ट डिज़ायरेबल ब्रांड्स मिलेंगे, वेदर इट इज़ ज्वेलरी, क्लोथिंग, बैग्स, एवरीथिंग। इस मॉल के साइड से होते हुए जाती है द फेमस कार्डन वाटर फ्रंट्स, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है सी के साथ। यहाँ पे छोटे छोटे यॉट चलते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप मॉरिशस विजिट करने आते हैं तो डेफिनेटली इस मॉल में आप ज़रूर आइए। यहाँ पे अगर आप शॉपिंग नहीं भी करते हैं, इसका क्राउड इतना प्यारा है और इतना रिफ्रेशिंग इसके अंदर आपको लगेगा। यहाँ पे आपका टाइम कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धूप भी निकल रहा था, तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मॉल का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंच इंस्पायर्ड है, तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये मॉल। हैवी ब्रेकफास्ट के बाद हमें लंच करने के लिए कुछ लगा नहीं कि हम लंच करेंगे ऐसा, लेकिन इतना प्यारा एक आइसक्रीम पार्लर देखने के बाद हमें लगा एक आइसक्रीम तो पॉजिटिवली ट्राई करनी चाहिए, तो हमने एक आइसक्रीम खाया। उसके बाद हम मॉल से निकल गए। जैसे कि मैंने इसी वीडियो में पहले मेंशन की है कि यहाँ पे जगह जगह पे रोड साइड पे दुकान नहीं मिलते हैं, तो आपको छोटे से छोटे चीज़ खरीदने के लिए मॉल जाना पड़ती है। तो हमें चाहिए था पानी का बॉटल, और उसके लिए हम 20 मिनट्स तक कार में ट्रैवल करने के बाद एक छोटे से दूसरे मॉल में आए। वहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी खरीदा और दो तीन खाने का सामान। ये मॉल छोटा सा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। मॉल के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का कुछ बनाया गया है। यहाँ पे शायद यहाँ पे कोई खेती बाड़ी होती है ऐसा कुछ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद हम वापस आ गए होटल। अभी लगभग 4 के करीब बज रहे हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी हमारा घूमना हो गया। और ये है हमारा डिनर। डिनर में हमने ज़्यादातर इंडियन डिशे ही ट्राई किया। इस रिजॉर्ट का और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डेली डिनर का मेनू बदलता रहता है। जैसे ही हम यहाँ पे 4 दिन थे, एक दिन हमें इटालियन मिला, एक दिन इंडियन, एक दिन थाई, एक दिन चाइनीज। तो ऐसे करके आप घुमा फिरा के अपना डिनर कर सकते हो, ताकि आपको
उतना ज़्यादा बोर भी नहीं लगेगा कि एक ही खाना रोज़ रोज़ खा रहे हैं। हर शाम को एक्सटेंडेड का अरेंजमेंट किया जाता है होटल की तरफ से ताकि गेस्ट का मनोरंजन हो। तो यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है और वो बिल्कुल लोकल परफॉर्मेंस करते हैं। लोकल जो ड्रेसेस हैं उनके वो पहन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हम जब डिनर कर रहे थे तब 8:30-9 बज रहा था शायद, तो वो नीचे परफॉर्म करते करते बफे रेस्टोरेंट में भी आ गए। ये है नेक्स्ट डे सुबह। अभी पूरी तरह से सुबह हुआ नहीं है, 5:30 ही बज रहा है और हम सिर्फ बाहर का नज़ारा देखने के लिए बाहर निकले हैं। सनराइज़ अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है और देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। हवा यहाँ पे कभी भी बंद नहीं होता है, सुबह शाम रात को दोपहर को इस साइड में हमेशा हवा चलती रहती है। हमारा ब्रेकफास्ट आज हमारा साउथ आइलैंड टूर का बुकिंग था, लेकिन हमने कॉल करके रात को ही मना कर दिया था क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बीच पर एक पूरा दिन स्पेंड करेंगे। क्योंकि साउथ आइलैंड का जो टूर है उसके अंदर आपको गंगा तालाब बोल के एक तालाब है, एक्चुअली वो एक बड़ा सा झील टाइप का है जिसके बीच में शंकर महादेव और दूसरे भगवान का मूर्ति बनाया गया है, वो तालाब दिखाने के लिए लेके जाने वाले थे। और एक वॉल्केनो है जिसके अंदर अभी होल बन चुका है। Thank you.
हवा बहुत जोरों की चलती है, स्पेसिफिकली कोस्टल साइड में। दो बार हमारा ड्रोन खो गया था, बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो गया था, लकीली हमें फिर वापस मिल गया। समुंदर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ब्यूटीफुल। उस दिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आप देख सकते हैं हवा भी चल रही है, उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जैसे जैसे हम बफे रेस्टोरेंट में पहुँचे अपने डिनर के लिए, और हमने अपना डिनर किया, खाने में हमने वेजिटेबल पुलाव, चिकन और सलाद ये सब लिया, आप देख सकते हो। और इसके अलावा हमें एक चीज़ मिली यहाँ पे, ओडिशा का जो खाजा होता है, जो स्वीट डिश एक होती है, डेजर्ट होती है, वो हमें यहाँ पे सरप्राइजिंगली मिल गया, और जो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने दो खा लिए। और ये है नेक्स्ट डे सुबह, नेक्स्ट डे भी हम बहुत जल्दी उठ गए थे सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए और सुबह का ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए। ये था हमारा मॉरीशस टूर का एक पार्ट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।